बहुमत से चारों सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच, लोगों के बीच वोट मांगने जाएगा। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में इस देश के दूसरे नंबर पे ईमानदारी के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी सर्वे में साबित हुआ है, और उसकी तारीफ जो है 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कर चुके हैं। और अभी हाल ही में जहां वो अपनी नाराजगी आयाराम गयाराम के ऊपर व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तरीके से पूर्ण रूप से लगातार पिछले 1 वर्ष में विधानसभा के चुनावों के बाद सक्रिय है। हर मोर्चा सक्रिय रहा है, हर मोर्चे ने लगातार, हर कार्यकर्ता ने, उनके अभ्यास वर्ग हुए हैं और कार्यकर्ता पूरी तरह से वार्म अप है। और इन चुनावों में ये जीत निश्चित है, क्योंकि इस देश के ही नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे पास हैं। और इस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक ये साबित किया है कि 67 विधानसभा का जिन्होंने दौरा किया है, और इस दौरे के दौरान उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ की जनता ने मांगा है उसको देने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट्स सरकार में होंगे, जनता के सामने होंगे, मुझे यही कहना है। ये पूरे आउट होंगे और इनको बहुत कम वोट इस बार पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप अच्छे मतों से विजयी होंगे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिन्हें हाल ही में प्रदेश में ईमानदारी के लिए सर्वे में दूसरा स्थान मिला है, और जब ये उनको प्राइज मिला तो इसका प्रमाण इस प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी वो दे रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात की तारीफ की है, और दूसरी तरफ जब वो अपनी नाराजगी इनके सामने, वो सारी नौटंकी सामने आई है। वीरभद्र का बयान सुखराम एंड कंपनी के लिए, ये उनके लिए, उनको हतोत्साहित तो किया है, हतोत्साहित करने के लिए तो काम आया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जो लाचारी दिखी है वो स्पष्ट नजर आती है। वो कन्फ्यूजन में है, वो दुविधा में है कि किधर जाएं। और अभी जो इनका सम्मेलन हुआ है, कल इनका सम्मेलन था, उसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ना आना, वो इसमें मौजूद नहीं थे, ये भी प्रमाणित करता है कि कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह बैकफुट पे है। वो फ्रंट फुट पे नहीं लड़ रहे, बैकफुट पे लड़ रहे हैं। और ये भी